आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन 14 अगस्त को होगा। इसी के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के गृह मंत्री रामधवज साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा निकाली गई, जिसे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। गृह मंत्री रामधवज साहू ने बताया कि 14 अगस्त को विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा और 15 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं पदयात्रा की खास झलकियां। भारत जोड़ो पदयात्रा में हमारे बीच निकल चुके हैं। आजादी की गौरव यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सबके निर्देश पर 75 साल आज़ादी के हो गया, इसलिए 75 किलोमीटर हर विधानसभा में पदयात्रा करना है 6 दिन में, 9 तारीख से 14 तारीख तक। 14 को एक बड़ा कार्यक्रम विधानसभा स्तरीय होगा, फिर 15 को प्रदेश स्तरीय होगा। मूल बात यह है कि आज़ादी के पहले की स्थितियाँ क्या थी, क्या सामना हमारे देशवासियों को करना पड़ा, इसकी जानकारी देनी, वीर शहीदों को नमन करना, किसी गांव में हमारे शहीद लोग हैं उनसे, उनके परिवार से मिलना, उनसे मिलना, उनका सम्मान करना, कोई बड़ी विभूति है हमारे गांव में उससे मिलकर उनके परिवार को सम्मान करना, खेल खिलाड़ी, संस्कृति का क्षेत्र, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, ये है। प्रभात फेरी निकाली जाएगी, गांधी जी के भजन गाए जाएंगे, रघुपति राघव राजा राम। कुल मिला के गाँव वालों को सबको ये जानकारी देना कि 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, हम कहाँ थे 75 साल पहले, 75 साल बाद हम कहाँ हैं, क्या हमें और करना है, सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही मानों में जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको सही मानों में 75 साल बाद ही उनको नमन होगा, श्रद्धांजलि होगा उनको इस पदयात्रा के माध्यम से।